नमस्कार बच्चों, आज की टॉपिक आपको सीधा सीधा 6 नंबर देने वाली है। यानी जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो है ऐसे, और ऐसे को आप 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखेंगे आपको 6 नंबर मिलेगा। सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। जो हमारी टॉपिक है वो है एन आइडियल टीचर, एक आदर्श शिक्षक। और किस नाम से पूछा जा सकता है? माय बेस्ट टीचर, और क्लास टीचर, ए गुड टीचर, इनके माध्यम से पूछा जा सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखाना होगा। इंट्रोडक्शन में देखिए, देयर आर मैनी टीचर्स इन माई कॉलेज, हमारे कॉलेज में बहुत सारे अध्यापक हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उनमें से सबका सम्मान करता हूँ। बट आई लाइक श्री एस पी शर्मा मोस्ट, लेकिन मैं श्री एस पी शर्मा को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। ही इज़ एन एम ए बी एड, वो जो उनकी क्वालिफिकेशन है ना, जो उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है वो एम ए और बी एड है। ही टीचेज मी हिंदी, वह मुझको हिंदी पढ़ाते हैं। ही इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरे कक्षा अध्यापक भी हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। अगला देखिए, हिज ड्रेस एंड अपियरेंस, उनका पहनावा और बाहर से वो कैसे दिखाई देते हैं। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स, वो बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर, गर्मी के महीने में, ही पुट्स ऑन ए धोती एंड ए शर्ट, गर्मी में वो धोती और शर्ट पहनते हैं। इन विंटर, जाड़े में, ही पुट्स ऑन ए स्वेटर एंड वूलन कोट आल्सो, जाड़े के महीने में स्वेटर पहनते हैं और ऊनी कपड़े पहनते हैं, ठंडा लग जाएगा। ही यूजेज ए कैप, टोपी पहनते हैं। ही पुट्स ऑन हिज हेड, अपने सिर पर वो टोपी पहनते हैं। ही इज़ अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 40 साल के हैं। ही इज़ टॉल, लंबे हैं, हेल्दी, स्वस्थ हैं, वेल ब्यूल्ट, मजबूत कदकाठी वाले हैं। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहते हैं। ये हो गया इनका ड्रेस एंड अपियरेंस, पहनावा कैसा है, दिखाई कैसे देते हैं। तीसरी टॉपिक आपकी बनती है हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा है। देखिए, हिज बिहेवियर इज़ नॉट हार्श, हार्श माने कठोर होता है ना, उनका व्यवहार जो है वह कठोर नहीं है। ही इज़ काइंड टूअर्ड्स द स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों के प्रति वह बहुत ही दयालु हैं। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और दोस्त और टीचर्स के प्रति उनका जो रवैया है ना, वह दोस्ताना है। टीचर लोगों से दोस्ती का संबंध और बच्चों से दयालुता का संबंध। हिज हैबिट्स आर ऑफ अ स्वीट टेम्पर्ड मैन, वे उनकी आदत जो है ना बहुत मृदुभाषी, स्वीट टेम्पर्ड मैन, मृदुभाषी आदमी की तरह से व्यवहार करते हैं। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, और जो उनका व्यवहार है वह बहुत ही आकर्षक है। चार्मिंग मीन्स आकर्षक, पता है हमको। अब देखिए मेन बात, चौथी टॉपिक, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके जो पढ़ाने की विधि जो है वह कैसी है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनके पढ़ाने की जो विधि है ना वह बहुत ही प्रभावशाली है। ही टीचेज अस, हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके जो पाठ है ना वो बड़े ही मनोरंजक होते हैं। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलोज हिम ईजिली, यहाँ तक कि जो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी होता है वो भी उनकी बात को बड़ा आसानी से समझ जाता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, ज्ञाता हैं अपने सब्जेक्ट के। और इसमें जो हमारी लास्ट टॉपिक बनती है वो है हिज क्वालिटीज़, गुण कैसा है उनको उनका। ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, वो बहुत अच्छे गुण रखते हैं, अर्थात उनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वह एक बहुत अच्छे चरित्र वाले आदमी हैं। ही इज़ रेगुलर, वह नियमित हैं। पंक्चुअल माने भी नियमित होता है। एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम करने वाले हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, कक्षा में समय बर्बाद नहीं करते हैं। ही कीप्स हिज स्टूडेंट्स बिजी ऑल द टाइम, पूरे समय वह अपने विद्यार्थियों को व्यस्त रखते हैं। ही इज़ काइंड हार्टेड, वह दयालु हृदय वाले हैं। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट्स, वह गरीब विद्यार्थियों की मदद करते हैं। बाई गिविंग देम बुक्स, उनको किताबें दे करके। ही इज़ ऑल्सो अ गुड स्पोर्ट्स मैन, वे एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो एक सिद्धांतवादी आदमी हैं। मैन ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत वाले आदमी। ही इज़ एन आइडियल टीचर, वे एक आदर्श अध्यापक हैं। सो आई लाइक हिम मोस्ट, अतः मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ।
आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपके लिए 6 मार्क्स निर्धारित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।